दोस्तों कल मेरे एक जान पहचान वाले बंदे का फोन आया और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया उसने एकदम पूछा अनुपम जी आपको डर नहीं लगता मैंने कहा क्या मतलब कहते नहीं आप बड़े इंस्पिरेशनल और बड़े पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं तो मुझे लगता है कि शाह आप शायद आपको डर नहीं लगता मैंने कहा पर किस बात का डर कहते नहीं जी मैं दिन में दस बार डरता हूँ जब भी मुझे थोड़ी सी लगता है कि मेरे को कहीं हरारत हो रही है तो मुझे लगता है बुखार चढ़ रहा है फिर मेरे गले में खराश होती है तो मुझे लगता है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो रहा तो मैं जानना चाहता था कि आ, 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 आपको ऐसा डर नहीं लगता तो मैंने कहा भाई शक की बीमारी तो हम सबको है मैंने कहा पर एक बात बताओ Osionfish. तुम घर से बाहर जाते हो कहता नहीं बिल्कुल नहीं जाता जी क्या बात कर रहे हो मैंने कहा तुम बार बार हाथ धोते हो कहता हाँ जी मैं तो दिन में बीस बार हाथ धोता हूँ तो मैंने कहा तुम सोशल डिस्टेंसिंग मेन मेंटेन करके रखते हो कहता हाँ हाँ तो मैंने कहा फिर डरने की क्या बात है फिर कोरोना वायरस तुमको नहीं है हाँ गले में खराश हो सकती है हल्की सी हरारत की फीलिंग हो सकती है लेकिन कोरोना वायरस तुमको नहीं है अगर तुम ये सब चीज़ें करते हो जो कि हमसे कहा गया है तो वो तो नहीं हो सकता है तुम्हें तो बोला पर आ, 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 आपको डर नहीं लगता आप पॉजिटिव बातें कैसे करते हो मैंने कहा नहीं मुझे डर लगता है मुझे डर लगता है कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है वर्कआउट के बाद या कभी शाम को दर्द होता है या मुझे कभी लगता है कि मुझे बुखार तो नहीं हो रहा मैं एक दो बार थर्मामीटर से चेक भी करता हूँ या मेरे गले में भी ख़राश होती है ये तो बड़ी स्वाभाविक बातें हैं जब कोरोना वायरस नहीं आया था उससे पहले ये सब सिम्टम्स हमको नज़र आते थे पर हमारा सीधा ध्यान इस तरफ नहीं जाता था मगर मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ और मैं हाथ धोता रहता हूँ तो ये डर तो मन से निकाल दो क्योंकि जब हम छोटे होते थे झूठ बोलते थे तो डर लगता था है कि नहीं होमवर्क नहीं करते थे तो डर लगता था अगर हम सब काम जैसे कि हमें कहा गए हैं वो करते थे तो डरने की कोई बात ही नहीं है बाकी ये तो ह्यूमन नेचर है स्वाभाविक है कि शक हो सकता है कि कहीं कुछ मुझे तो नहीं हो रहा और ये सबको होता है इतने दिनों से जो घर में बैठे हैं हम सबको ये शक की बीमारी तो थोड़ी थोड़ी हो ही सकती है लेकिन जो नियमों का पालन करें उनको ये सब नहीं हो सकता है, है ना तो बाकी बस पॉजिटिव सोचिए जब डर लगे तो हाथ धो लो जब डर लगे थोड़ा भगवान को याद कर लो जब डर लगे तो बोलो कि नहीं डरने की कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा और हो जाएगा